मेरुंदा क्षेत्र में रविवार की सुबह से झमाझम बारिश हुई, जिसके चलते लोगों को गर्मी और उमस से राहत तो मिली, लेकिन ग्राम छिद गांव मौजी में किसान की मक्का की फसल पानी में बह गई। मक्का की फसल काट कर पड़ी हुई थी, जो बारिश में बह गई। सूचना के बाद राजस्व अमला मौके पर पहुंचा। पटवारी ने निरीक्षण कर सर्वे रिपोर्ट तैयार की। वहीं किसान के मुताबिक 4 एकड़ में मक्का की फसल बोई थी, जो आज सुबह अचानक बारिश के चलते बह गई। किसान ने सहायता राशि दिए जाने की मांग की है। आज दिनांक 20/10/24 को सुबह जो 5 बजे बारिश हुई, तो इनका रतन सिंह आत्मजय फूल सिंह के 47 क्विंटल के लगभग मक्का था, जिसमें से इनके हिसाब से बता रहे हैं कि 20 से 25 क्विंटल मक्का घर से घर के आंगन में रखा था, उससे लगे हुए नाले में बारिश के पानी से बह गया है और 20 क्विंटल के आसपास बचा है, वो गीला है, वो भी मक्का। बाकी मौके पर आके सब निरीक्षण कर लिया है। आगे मतलब अब हायर अथॉरिटी डिसाइड करेगी क्या है करना। मैंने अपनी तरफ से रिपोर्ट बना दी है। आगे मतलब प्रशासन जो भी उसको वो दे हायर अथॉरिटी, ठीक मैंने है। अभी